लावा पंचायत ने गरीबों को बांटा धान्य किट। लॉकडाउन के बाद भी गरीबों को खिलाएंगे खाना। लावा क्षेत्र ट्रांसपोर्ट हब है, यहाँ पर ज्यादातर बाहर के लोग निवास करते हैं। कामगार होने से उनके पास राशन कार्ड नहीं है। ऐसे लोगों का सर्वे कर सभी लोगों को ग्राम पंचायत लावा के सरपंच ज्योत्सना नितनवरे, उप सरपंच महेश चोखांद्रे, पूर्व उप सभापति सुजीत नितनवरे के हाथों धान्य किट का वितरण किया गया। अब ग्राम पंचायत सभी लोगों को घर जाकर धान्य वितरण करेगी, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी होगा। गरीब जरूरतमंद लोगों को पंचायत निःशुल्क धान्य दे रही है। खास बात तो यह है कि ग्राम पंचायत सचिव लाड़े ने गांव के नागरिकों से धान्य देने की विनती की थी। नागरिकों ने अपने अपने घर से धान्य इकट्ठा कर ग्राम पंचायत को दिया। लोगों के मिले इस सहभाग से सचिव विकास लाड़े ने ग्रामवासियों के आभार माने। लावा गांव हमेशा ही गरीबों की मदद करता है। ऐसे समय पूर्व पंचायत समिति उप सभापति सुजीत नितनवरे लॉकडाउन के दिन से ही गरीबों को खाना खिला रहे हैं। लॉकडाउन बढ़ भी गया तो भी निरंतर गरीबों को खाना खिलाएंगे, यह जानकारी नितनवरे इन्होंने दी है। नागरिकों ने सहयोग करने की अपील सरपंच ज्योत्सना नितनवरे, उप सरपंच महेश चोखांद्रे ने की। इस अन्नधान्य वितरण में सभी ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ गांव के नागरिक उपस्थित थे। जीवना आवश्यक वस्तु दिल्या आम्ही गरीब लोक जे आहे करोना ते लॉकडाउन चालू आहे त्याच्यामुळे गरीब लोकांना आम्ही ते किट वाटण्याचा कार्यक्रम होते ग्राम पंचायत मध्ये केलेला। कोरोना के लॉकडाउन के चलते हुए कोविड-19 से बचने के लिए जो सरकार ने उपाय योजना की है और उसके चलते जो घर में सब लोग रह रहे हैं और गरीब लोगों को अनाज की परेशानी और वो भूखा ना रहे इसके हेतु हम ग्राम पंचायत के तरफ से उनको अनाज की किट का वाटप आज या ग्राम पंचायत लावा के तरफ से किए है। इसका गरीब लोगों का फायदा होने को ना और गांव में कोई भूखा नहीं रहने को ना, ये इसके पीछे का उद्देश्य है। कितना लाभार्थी मिले आज? सध्या अपन सर्वांना कल्पना है कि कोरोना सारखी भीषण महामारी पूर्ण जगामध्ये सुरू आहे। शासनाचा एक फार मोठा उपक्रम आहे की बा कोणीही या भीषण महामारीमध्ये कोणीही गावातील गरजू व्यक्ती किंवा गरीब व्यक्ती मजूर व्यक्ती हा उपाशी राहू नये। या शासनाच्या आवाहनानुसार आम्ही सर्वप्रथम ग्रामपंचायततर्फे एक निर्णय केला की जे म्हणजे मोफत धान्य मिळणार आहे त्या मोफत धान्याच्या काहीतरी शेअर हा ग्रामपंचायतला मिळावा म्हणून आम्ही सर्व गावकरी बंधू भगिनींना आवाहन केलं। व मला अभिमानाने सांगावं असं वाटतं आपल्या सर्व ग्रामवासियाविषयी की त्यांनी अत्यंत मोठ्या मनाने एकूण 840 किलो जवळपास तांदूळ आम्हाला एक दान स्वरूपात दिलेलं आहे। त्यांचे आपण आम्ही जेवढे उपकार मानावे तेवढे कमी आहेत, तर त्यापैकी आपण 5-5 किलोच्या किट अशा तयार करून 164 किलो टोटल आपण किट तयार केलेले आहेत। तर सध्या प्राथमिक स्वरूपात आज आपण 4-5 व्यक्तींना आपण वाटलेलं आहे आणि उर्वरित जे आपण जे वाटप आहे ते घरपोच सोशल डिस्टन्सिंगचा हा एक म्हणजे लक्षात घेता आपण घरपोच सगळ्यांना सेवा देणार आहोत। इन बीसीएन न्यूज के लिए वाडी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।